हेलो गाइस, हम खड़े हैं दनपुर स्टेट मेडिकल एकेडमी की केमिस्ट्री बिल्डिंग के सामने। तो आज हमारे साथ हैं संस्कृति, भारद्वाज और मोनिका जी। तो संस्कृति जी, पहले बताइए आप कहाँ से हो इंडिया में? मैं पटना, बिहार। पटना से हो, तो आप कहाँ से हो? मैं पानीपत, हरियाणा। ओके, तो आपको मतलब यहाँ जब आए हो तो आपको क्या रिसर्च करके आया दनपुर? मैंने तो वही YouTube पे किया था रिसर्च एंड Google पे किया था रिसर्च। तो मुझे ये यूनिवर्सिटी बहुत सही लगी, क्योंकि एक तो ये डनिप्रो में है जो कि बहुत अच्छी सिटी है यहाँ की, यूक्रेन की, और यहाँ की पढ़ाई भी बहुत सही है। मेरी एक सीनियर से भी बात हुई थी तो उन्होंने भी बताया कि बहुत अच्छी। तो सीनियर से भी? हाँ, सीनियर से भी रिव्यू ली। ओके, तो आप किसके थ्रू, मतलब आप किसके रिव्यू से आए हुए? मैंने तो सबसे पहले अपने सीनियर से ही रिव्यूज लिए थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, मतलब पढ़ाई इंग्लिश में होती है सबसे बड़ी बात। और फिर उसके बाद मैंने मतलब यूट्यूब पे भी देखा तो अच्छा था, बिल्डिंग वगैरह सब अच्छा है। तो मतलब सब इंफॉर्मेशन इसकी है? हाँ, यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन फुल है। ओके, तो आप यहाँ पढ़ रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है अभी, जैसे कि आपकी जो क्लासेज वगैरह हैं तो आपकी सब एक जगह पे लग रही है या आपको बाहर जाना पड़ता है दूर दूर पे? थोड़ी सी डिस्टेंस पे हमारे हॉस्टल से, ज़्यादा दूर नहीं है। हॉस्टल से कितना टाइम लग जाता है आपको यहाँ? 5 to 10 minutes। 5 to 10 minutes, हाँ, वॉकिंग डिस्टेंस है। एंड बस से तो बहुत कम टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट। ओके, 5 to 10 minutes लगते हैं मतलब वहाँ से आने में। और यहाँ आपको मतलब सारी जो क्लासेज हैं अभी आपको, ये तो है नहीं कि भाई काफ़ी दूर जाना पड़ता हो, कहीं बस में ट्रैवल करना पड़ रहा हो, ऐसा कोई है? और इसके अलावा जो है वेदर आपको कैसा लगा, जैसे कि आप पटना से आए हो तो आपको कैसा लगा यहाँ वेदर? वेदर तो बहुत सही है यहाँ की, ठंड है बट सही है वेदर यहाँ की। ओके, तो आप हॉस्टल में रह रहे हो? हाँ जी, हॉस्टल में। हॉस्टल में आपको कैसी फैसिलिटीज़ मिल रही है? हॉस्टल में सारी अच्छी फैसिलिटीज़ है, कोएड है बट सारे लोग बहुत, स्टूडेंट्स हो या फिर जो भी वहाँ के स्टाफ है, जो भी है, सारे बहुत कोऑपरेटिव है। ओके, कोएड है तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? गर्ल्स और बॉयज़ की? नहीं, इनफैक्ट बॉयज़ ज़्यादा कोऑपरेटिव है। ओके, और जो है आपके जो और फ्रेंड्स हैं तो आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे जो आपके फ्रेंड्स हैं इंडिया? मैंने तो मेरी जो फ्रेंड्स नेक्स्ट ईयर दे रही है नीट, उनको यही बोला है कि अगर ना भी हो तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सही है। ओके, तो आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे अपने फ्रेंड्स? मैं भी सेम ही बोलूँगी कि अगर नीट क्लियर नहीं होता है और प्राइवेट कॉलेज में आप नहीं जा सकते तो आप इधर आ सकते हो, अफोर्डेबल है। काफ़ी जैसे कि पेरेंट्स कहते हैं कि इंडिया में जो प्राइवेट कॉलेज हैं तो वहाँ एडमिशन ले बस, और कहते हैं कि यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा नहीं है। तो आपको कैसा लगा यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है, मींस इंडिया और यहाँ पे यही डिफरेंस है। वहाँ पे जैसे हमारे थ्योरी पेपर होते हैं, रिटन पेपर होते हैं, यहाँ पे आपको हर रोज़ टेस्ट देना पड़ता है, तो ये सबसे बेस्ट है। तो जो भी आप पढ़ोगे अगले दिन आपका वही टेस्ट होगा। जो आप पढ़ रहे हो वो आपको टेस्ट देना पड़ रहा है? हाँ, हर क्लास अगले दिन नहीं, पहले मैम टेस्ट लेती है फिर नेक्स्ट कुछ पढ़ाती है। ओके, तो मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं? कोई कॉम्प्रोमाइज़। ओके, तो और कोई प्लस पॉइंट जो है कि आप बताना चाहोगे, मतलब बच्चे दनपुर ही यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ करें? मतलब जैसे कि यूक्रेन में और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तो खाली दनपुर को ही क्यों चूज़ करें मतलब आने के लिए? सबसे पहले तो क्योंकि दनपुर सिटी अच्छी है, ठीक है, और अच्छी सिटी है, अच्छा व्यू देखने को मिलेगा, मीन्स घूमने फिरने के लिए भी सही है। उसके बाद मींस कॉलेज पढ़ाई का एनवायरनमेंट भी यहां पे बहुत अच्छा है और सेफ एनवायरनमेंट है, मतलब ओवरऑल सिटी से ज्यादा अच्छी है। हां, ये अच्छी है और पढ़ाई भी ओवरऑल से अच्छी है। हां जी, मतलब आप इसको अच्छा रिव्यूज दे रहे हैं। ओके, सो थैंक यू। ओके।